साबित होगा। देखिए देखिए, विपक्षी एकता नहीं है, पंछी एकता है। यहाँ पर सब लोग अपना अपना दाना के फेर में आ रहे हैं, और दाना चुगने के सब लोग प्रयास में है कि इसमें हम प्रधानमंत्री कैसे बने, इसका उपाय ढूंढने आ रहे हैं। आई चुनाव के बाद, चुनाव जैसे ही खत्म होगा, अपना अपना सब रास्ता पकड़ लेंगे। ये बड़ा है तो ये जो है ये चलते रहेगा। इन लोगों का पंछी एकता, विपक्षी नहीं पंछी एकता है, ये चलते रहेगा। आइए आप देखिए कि चुनाव आते आते सब लोग अपना अपना उड़ गया और कोई किसी को यहाँ मानने वाला नहीं। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विपक्षी एकजुटता पहल लगातार जारी है। बता दें कि इसी क्रम में 23 जून को राजधानी पटना में बैठक होनी है, जहां महागठबंधन की ओर से यह दावा किया गया है कि 18 देश के विपक्षी पार्टियां एक मंच पर जो है मौजूद रहेंगी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जीवन जी, बीजेपी MLC। कैसे देख रहे हैं आप लोगों के लिए ये परेशानीजनक कहीं तो नहीं साबित होगा? देखिए देखिए, विपक्षी एकता नहीं है, पंछी एकता है। यहाँ पर सब लोग अपना अपना दाना के फेर में आ रहे हैं, और दाना चुगने के सब लोग प्रयास में है कि इसमें हम प्रधानमंत्री कैसे बने, इसका उपाय ढूंढने आ रहे हैं। आई चुनाव के बाद, चुनाव जैसे ही खत्म होगा, अपना अपना सब रास्ता पकड़ लेंगे। इसी विपक्षी एकता नहीं है, सब लोग अपने आ रहे हैं कहाँ पर हमारा दाना सेट होगा, और कोई किसी के समर्थन में नहीं है। आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में ये लोग जहाँ जहाँ गए हैं, जब मीटिंग किए हैं, कभी भी एक देखे हैं कि सब यूनाइटेड बात को बोल रहे हैं? सब लोग डिफरेंट प्लेटफार्म पर बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल, तो अभी तक तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। तो ये जो है ये चलते रहेगा। इन लोगों का पंछी एकता, विपक्षी नहीं पंछी एकता है, ये चलते रहेगा। आइए आप देखिए कि चुनाव आते आते सब लोग अपना अपना उड़ गया और कोई किसी को यहाँ मानने वाला नहीं है। लेकिन ललन सिंह ने तो दावा किया है कि 18 विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आएंगे बिहार। देखिए दावा तो करते रहते हैं, अब ललन सिंह के दावे को अब क्या कहिएगा। दावा करने के लिए लोग सबसे आगे रहते हैं, लेकिन दावा करने से तो सरकार में सरकार बनते नहीं है। ये जो एकता की जो बात कर रहे हैं, आज जब KCR के यहाँ जब गए थे तो वहाँ पर आप देखे नहीं, KCR इनको साइड कर दिए थे, यही ललन सिंह थे ना, इनको साइड कर दिए, इनको जगह भी नहीं दिए। तो ऐसे लोगों की बात का क्या करना है जिनको जगह ही नहीं दे रहे हैं मीटिंग में लोग। हालांकि शरद पवार जो कि एक कद्दावर नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए चेहरा मायने नहीं रखता है, हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण रखता है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की रेस में शरद पवार भी अब आ गए? प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं, आप जान लीजिए, देश में प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं। लोगों ने देश में अपना प्रधानमंत्री पहले से चुन कर रखा है कि किसको हमको वहाँ पर रखना है कुर्सी पर, वहाँ वैकेंसी खाली नहीं है। लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सपने देखने का सबको अधिकार है, बात को रखने का सबको अधिकार है। अपना जाकर सिस्टम संभाल ले रहा है, अपना तो परिवार में उन लोगों का कलह फैला हुआ, अपना परिवार संभाल नहीं रहा है, देश को संभालने चल रहे हैं शरद पवार जी। लेकिन अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात किया जाए तो देश को साधने चले हैं, लेकिन महागठबंधन में जो 7 घटक दल हैं उन्हीं को वो नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि जितना मांझी का सुर हो, चाहे वामपंथी पार्टियों का सुर हो, सबका अलग अलग है। देखिए अब नीतीश कुमार के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देते हैं कि मुख्यमंत्री शिक्षक मामले में कहे कि हम सबसे राय लेके, 7 घटक दल से राय लेके हम जो है घोषणा कर रहे हैं कि BPSC का एग्जाम होगा, और उसके एक दिन बाद जीतन राम मांझी क्या बोले कि हमसे कहाँ राय लिए थे। तो ऐसा झूठा मुख्यमंत्री को तो हमने देखा ही नहीं है, और उसके एक दिन बाद माल्य वाला बोल रहा हमसे कहाँ राय लिए थे। तो बोलना, ये लोग बोलते कुछ और हैं लेकिन उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। कभी भी इन लोगों का देखेगा आपसी सहमति नहीं है। 7 घटक दल कहने के लिए साथ में है, लेकिन 7 में से कोई साथ में नहीं है। सब लोग अपने अपने प्रयास में हैं कि कब अपना सेट गोटी सेट कर लें, और कोई किसी के साथ नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठा, सवाल उठाएंगे नहीं, उनको मालूम है ना, उनको मालूम है, उनको सब चीज़ मालूम है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको मालूम है कि स्टीमेंट घोटाला क्या होता है, उनको मालूम है कि शिक्षा के मामले में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ देख चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जब कह रहे थे, एक दिन बाद उसका खंडन जीतन राम मांझी ने कर दिया। तो अब जान लीजिए कि इनकी बातों में कितना वजन है, इनके लोगों में कितना वजन है, इनके नेताओं में कितना वजन है, ये बोलते क्या है, होता क्या है। एक ही दिन बाद आपके घटक दल के लोग खंडन कर रहे हैं इस बात का, आप समझ लीजिए। शिक्षक जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वह अब बिहार भर में हस्ताक्षर अभियान को लेकर जो है वह घूम घूम कर लोगों के बीच जा रहे हैं, और उनकी बातों, अपनी बातों को रख रहे हैं और उनकी बातों को भी सुन रहे हैं। क्या आप उनके साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके साथ हैं, और वो जो बातों को रख रहे हैं पूरी तरह से जायज बातों को रख रहे हैं। आप जान लीजिए कि 100% उनकी बातों को सरकार को मानना चाहिए। हम पूरी तरह से पक्षधर हैं कि उनको नियोजित, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, 4-4.5 लाख शिक्षक हैं। आप जान लीजिए, आप याद कीजिए उस दिन को कि इन 4.5 लाख शिक्षकों को तेजस्वी जी ने क्या कहा था कि आप मैनिफेस्टो के कॉलम नंबर 12 में क्या छपवाया था, ये छपवाया था कि जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को राजकर्मी का दर्जा हम चुनाव के बाद देंगे।
चुनाव खत्म हो गया, डिप्टी सीएम नहीं, अब सुपर सीएम के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और जब सुपर सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो उनको इतना भी हिम्मत नहीं है ये कहने का मीडिया में, इतना भी हिम्मत नहीं है कि हाँ हमने वादा किया था और वादा खिलाफी हो रहा है तो हम जो है यदि ये वादा खिलाफी हमारे महागठबंधन को कोई और नेता नहीं मानेंगे तो हम कुर्सी छोड़ देंगे। आप तो कुछ नहीं कर रहे, तो वादा खिलाफी कर रहे। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि सारे नियोजित शिक्षकों को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे और आज वो भी वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो वादा खिलाफी करने वाली सरकार को जनता सबक सिखाएगी। आप जान लीजिए कि सारे शिक्षक एकजुट हैं और सारे शिक्षक जानते हैं कि यदि हमको एक राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तो हमको क्या करना है, और समय आने पर माकूल जवाब देंगे इसका, जान लीजिए आप। बात करने के लिए तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार का, जिन्होंने कहा कि हम शिक्षकों के साथ हैं, अंतिम लड़ाई तक जो है शिक्षक के साथ बीजेपी है। और साथ ही साथ इन्होंने विपक्षी एकजुटता को लेकर कि आगे आने वाले समय में ये विपक्षी एकजुटता साबित नहीं होगी बल्कि पंछी एकता साबित होगा। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।